गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तुषार शर्मा। तो आज हमारे सामने है इंडिया के मोस्ट सेफेस्ट ऑफ रोड एसयूवी ऑल न्यू महिंद्रा थार, जिसको ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार रेटिंग मिली है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल न्यू महिंद्रा थार के ओवरऑल फीचर्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर और मेरी इसकी प्राइसिंग की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक की। तो काफी आइकॉनिक और काफी बोल्ड लुक और स्पोर्टी लुक लगती है ऑल न्यू महिंद्रा थार की। एक ऑफ रोड एसयूवी है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी की। तो इसमें आपको नॉर्मल ऐसी फ्लिप की मिलती है, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और बजर का ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इसमें फ्रंट में आपको ड्यूल टोन बम्पर दिया गया है ब्लैक और सिल्वर फिनिश में। और अगर हम इसके हेडलैम्प्स की बात करते हैं, तो इसमें आपको राउंड सर्कुलर शेप हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो काफी आइकॉनिक लगते हैं। यहाँ आपको DRS दिए गए हैं विद इंडिकेटर्स, और नीचे आपको फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हेलोजन है। और यहाँ आपको बीच में थार की ब्रांडिंग और एक बड़ी सी ग्रिल, ऊपर महिंद्रा का लोगो। काफी आइकॉनिक और लेजेंडरी लगती है इसकी फ्रंट लुक, और काफी बड़ा इसका बोनट है। ऊपर आपको वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, तो इसमें आपको 3985 mm की लेंथ मिल जाती है, 1855 mm की विड्थ मिल जाती है, और 1844 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाती है, और 226 की इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस दी गई है। काफी ऊंची कार है ये। और अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो इसमें आपको दिए गए हैं R18 18 inches सिल्वर एलॉय व्हील्स, CF टायर्स, और बीच में आपको साइड में थार की ब्रांडिंग भी दी गई है। तो काफी बड़े इसके टायर्स हैं, और सस्पेंशन में भी काफी कैप है, और ऊपर आपको इंडिकेटर दिया गया है, और साइड में आपको थार की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको बड़े ओआरबीएम दिए गए हैं, जिस पर भी थार की ब्रांडिंग दी गई है। और यहाँ आपको फुटस्टेप, क्योंकि काफी ऊंची है तो फुटस्टेप तो बहुत जरूरी है। यहाँ आपको डोर हैंडल, और यहाँ 4x4 की ब्रांडिंग, तो ये 4x4 है। और अगर हम रियर लुक की बात करते हैं, तो वो भी काफी बोल्ड और काफी स्पोर्टी लगती है। और इसमें आपको LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, बीच में थार की ब्रांडिंग, काफी प्रीमियम लगता है नीचे से। और इसमें आपको स्पेयर टायर देखने को मिलता है, जिसकी प्रोफाइल है 255/65 R18 18 inches सिल्वर अलॉय व्हील। और इसमें आपको दो रूफ टॉप मिलती है, हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल रूफ टॉप। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं विद रिवर्स पार्किंग कैमरा, काफी सही है। और पीछे से कुछ ऐसी लगती है महिंद्रा थार। और अगर हम इसके बोनट की बात करते हैं, तो यहाँ से हम इसके बोनट को खोल सकते हैं। तो ये इस साइड से ओपन होता है, काफी स्पेस चाहिए आपको अगर बोनट ओपन करना है। आपको बोनट ओपनर मिल जाता है, यहाँ इतना कुछ आपको बूट स्पेस दिया गया है, और ऊपर आपको ग्लास मिलता है, काफी ठीक ठाक बूट स्पेस है। एक ये ऑफ रोड एसयूवी बनाई गई है, तो सही है ये। और अगर हम बढ़ते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ऐसी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल लगती है। काफी ऊंची है ये कार, मतलब एक ऑफ रोड के मुकाबले काफी सही और काफी सेफेस्ट कार है। तो अब जिसके इंटीरियर में चलते हैं, जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ से अनलॉक हो जाएगी। तो अगर हम ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं, तो यहाँ आपको डोर ओपनर दिया गया है, यहाँ थार की ब्रांडिंग सिल्वर फिनिश में, यहाँ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिए गए हैं, और कुछ स्पेस इसमें आपको, यहाँ कोई पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं दिए गए, यहाँ वन बॉटल होल्डर विद सम स्पेस। और अगर हम सीट्स की बात करें, तो इसमें आपको फैब्रिक सीट्स दी गई हैं विद लंबर स्पोर्ट, और यहाँ आपको ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, और बात करें कि आपको इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो काफी ऊंची कार ये लगती है, और आपको बोनट भी क्लियरली दिखता है, मतलब काफी अच्छा व्यू आपको बैठ के आता है। तो इसमें आपको मैनुअल की दी गई है, तो जैसे मैं यहाँ की इंसर्ट करूंगा, इसमें आपको व्हाइट एल्यूमिनेशन भी देखने को मिल जाती है व्हाइट कलर में। तो ऐसा कुछ आपको MID में भी कलर्ड MID दी गई है, थार की ब्रांडिंग आती है जैसे आप ऑन करते हैं। राइट साइड में आपको AC वेंट्स दिए गए विद पियानो ब्लैक फिनिश, नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, हिल स्टार्ट जैसे काफी फीचर्स है इसमें। और यहाँ आपको ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा विद सिल्वर फिनिश, या आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, बीच में इधर का लोगो, राइट साइड क्रूज कंट्रोल, और यहाँ सिल्वर फिनिश। और बीच में आपको दी गई है कलर्ड इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर,
एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, और बीच में आपको छोटी सी MID दी गई है, और जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ राइट साइड में दिए गए हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं MID को। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे ट्रिप बी, ट्रिप ए, और कितनी फ्यूल इकोनॉमी एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, काफ़ी चीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और राइट साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको दिया गया है 17.8 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद नेविगेशन, और एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और टायरटॉनिक्स का भी इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। और इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप DRL भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और काफ़ी स्मूथ टच रिस्पॉन्स की बात करें तो वो काफ़ी स्मूथ है, ऐसा कोई लैग इशू नहीं है। और इसमें आपको ब्लू सेंस कनेक्टिविटी भी ऑफर की गई है, नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी सही इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको ब्लूटूथ, FM रेडियो, एंड्रॉयड ऑफ और कैप्रे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे आपको दो एसी वेंट्स दिए गए विद पियानो ब्लैक फिनिश, नीचे आपको एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और उसके नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए जिससे आप एक पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ कर सकते हैं फर्स्ट से, बीच में हजार टाइप के कंट्रोल, और नीचे आपको एक USB पोर्ट और एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया, फिर एक ऑक्स भी दी गई है, और यहाँ आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, कुछ स्पेस, और इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन भी दिया है, 4 हाई 4 लो, जिसमें आपको काफी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और यह 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स विद क्रोम फिनिश, यहाँ नीचे भी आपको क्रोम फिनिश दी गई है, काफी प्रीमियम लुक दे रही है। यहाँ आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी, और यहाँ आपको दिए गए दो पावर विंडोज के कंट्रोल पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड, यहाँ दो कप होल्डर विद क्रोम फिनिश, तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर लगता है, और ये महिंद्रा थार का, और काफी ऊंची लगती है। और यहाँ आपको क्लब बॉक्स दिया गया है, यहाँ ऊपर आपको डैशबोर्ड ड्राइव हैंडल भी मिल जाता है। अगर हम सनवाइजर की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, और यहाँ आपको मिलता है डे एंड नाइट IRBM, ऊपर आपको पैसेंजर साइड भी वैनिटी मिरर मिल जाएगा बट लाइट नहीं है। और अगर हम इसके रूफ की बात करें तो काफी हार्ड इसकी रूफ है, ऊपर आपको कैबिन लाइट्स मिल जाती है। यहाँ आपको दिए गए हैं 2 ट्वीटर्स और 4 स्पीकर सिस्टम जो कि आपको रूफ पे मिलते हैं, जो काफी सही है। और अगर हम बात करें इंटीरियर की तो एज सच बहुत प्रीमियम और काफी स्पोर्टी लुक है इसके इंटीरियर की, और काफी ऊंची गाड़ी है ये। तो अब चलते हैं इसके रियर स्पेस में, और रियर की बात करेंगे कि रियर स्पेस में आपको कितना कुछ स्पेस देखने को मिल जाएगा, और रियर स्पेस में कैसे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको पीछे डोर्स तो नहीं दिए गए, सिर्फ फ्रंट पे 2 डोर मिलते हैं। और यहाँ आपको पैसेंजर साइड वाली सीट है वो आपको आगे स्लाइड करनी पड़ती है पीछे जाने के लिए, तो जैसे ही आप इसको आगे स्लाइड करोगे तो आप यहाँ से आपको इतना कुछ स्पेस मिलता है पीछे जाने के लिए। तो अगर हम पीछे की बात करते हैं तो सही आपको कुछ स्पेस मिल जाता है रियर साइड पे, बट रियर साइड पे डोर तो काफी सही है, आपको पैसेंजर सीट आगे करके पीछे आना पड़ता है। और अगर हम पीछे बात करें तो आपको सफिशियंट लेगरूम मिल जाता है, और यहाँ आपको ऐसा कुछ फिनिश दिया गया है, और ऊपर आपको यहाँ ग्लास मिल जाता है, काफी सही है। आपको ऊपर ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, तो अगर 4 सीटर है ये, अगर 4 लोग हैं तो काफी सही है, और पीछे से आपको ऐसा कुछ लगता है फ्रंट डैशबोर्ड, या पीछे भी आपको ग्लास दिया गया है। अगर हम बात करें स्पेस और कंफर्ट की तो कंफर्ट की वाइज सही है रियर स्पेस, एज सच कोई दिक्कत तो नहीं है, लेग रूम भी काफी सफिशियंट है इसमें आपको मिल जाता है, 2 जन और 3 जन काफी आराम से इसमें बैठ सकते हैं। तो अब चलते हैं बाहर, और अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की, कि आपको इसमें क्या क्या इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इसका बोनट लीवर खोल सकते हैं, तो जैसे मैं इसको पुल करूंगा तो इसका बोनट ओपन हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, 2.2 MHawk 130 डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 130 BHP की पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क, और दूसरा इसमें आपको मिलेगा 2 लीटर M-Stollen 150 TGDI पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 150 BHP के पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क, और ये आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। ऑटोमेटिक में ये प्रोड्यूस करेगा 320 Nm का पीक टॉर्क।
तो काफी पावरफुल इसका इंजन है, परफॉर्मेंस भी काफी, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवी बनाई गई है ऑफ रोडिंग के लिए। अब बात करते हैं कुछ इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको ESP, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, ड्यूल एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोलेक चाइल्ड सीट, स्नू चेन प्रोविजन फॉर टायर्स, स्पीड सेंसिंग, फ्रंट डोर लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म और पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच जैसे काफी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेफ्टी वाइज भी काफी सेफेस्ट एक एसयूवी है, ऑफ रोड एसयूवी। अब मेन इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यह LX डीजल टॉप मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन में, इसका एक शोरूम प्राइस है 13,69,000 के अप्रोक्स राज व्हीकल्स पटियाला में। अगर आप पटियाला से देख रहे हैं, अगर आपको कोई महिंद्रा की कार परचेज करनी है या देखनी है तो आप राज व्हीकल्स पटियाला में विजिट कर सकते हैं। इनका आउटलेट आपको बरनाला और संगरूर में भी देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो है, ये है राज व्हीकल्स पटियाला, इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी इनका नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो ये था एक वॉक अराउंड रिव्यू ऑल न्यू महिंद्रा थार का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। काफी लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।